यहाँ का रिसेप्शन है कितना प्यारा, स्विमिंग पूल बना ऐसा कैफे में, ऐसा कितना प्यारा सेटिंग है यहाँ पे। ये देखो ये नेस्ट है और यहाँ की एंट्री देखो कितनी प्यारी है। इस रूम के साथ प्राइवेट पूल, आपको एक हट मिलती है। सो गाइज ये है रूम टूर यहाँ का। ये पूरा प्राइवेट कंपार्टमेंट रहता है जिसमें स्विमिंग पूल आ जाता है, रूम आ जाता है। ये पूरा प्राइवेट, ये पूरी राजस्थानी थीम पे पर डे का जो रेंट रहता है ना वो 15 से 20 हज़ार रहता है, मतलब 18 के आसपास। यहाँ पे आपको रोडीज वाले टास्क मिलते हैं, आपको देखने को मिलेगा कैमिल और देखो ट्रीज पे लाइट लग रही है। वेलकम बैक, आज हम आपको दिखाने वाले द नेचुरल विलेज रिसोर्ट पुष्कर में, उसका आपको टूर दिखाने वाले हैं, बजट टूर दिखाने वाले हैं, कितना बजट रहता है और कैसा एनवायरमेंट रहता है। देखो अभी हम है द नेचुरल विलेज रिसोर्ट और अभी हमने हमारी गाड़ी पार्क करी है वहाँ पे, अभी हमारी गाड़ी खड़ी करी हमने और देखो आगे की तरफ हम जा रहे हैं। थोड़ा कुछ रास्ता है यहाँ का भाई साहब भी हमारे साथ और अभी पास में हमसे विजिट करने आ गए, देखने आ गए कि कैसे बना हुआ है, फिर हमारे को एक आइडिया मिल जाएगा। और यहाँ का ये रिसेप्शन है कितना प्यारा, स्विमिंग पूल बना ऐसा कैफे में, ऐसा इस स्विमिंग पूल में भाई साहब आप नहा लो ना। जी भाई साहब, जी भाई साहब। सो गाइस देख सकते हो कि आप कितना प्यारा सेटिंग है यहाँ पे, ककून में ना। वाओ बहुत ज्यादा प्यारी सेटिंग है भाई साहब, मजा आया आपको? मजा आ गया गाइस। ये सारी चेयर है मेरे कैफे पे भी है। जी जी, ये वही चेयर है जो मेरे कैफे पे है। तो मियां क्यों आया फालतू में, वहां चलो जावा कैफे पे। जावा कैफे वन ऑफ द बेस्ट, जावा कैफे बाकी ये बहुत अच्छा बना हुआ है। देखो ये सारे, अच्छा इन्होंने पेड़ पे ये देखो ये नेस्ट है और देखो ये सारी चीजें टांग रखी है गाइस। देखो ये ककून में से भाई साहब ये निकला है, बहुत प्यारा टांग रखा है गाइस, बहुत प्यारा बना हुआ है। हमको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा यहां से और फिर उस आइडिया को हम इनोवेट करेंगे हमारे फार्म पे। मैं बता रहा हूं ये सब धोएंगे सब जावा कैफे का हॉल में। देखो यहाँ पे कितनी अच्छी एंट्रेंस है यहाँ पे भी और देखो कितना प्यारा है इस। देखो ये यहाँ पे है रूम्स और हट्स। कहाँ गए, आगे गए क्या, किस तरफ गए हो? इस तरफ गए, चलो इस तरफ चल के आते हैं, देखते हैं हट्स। और ये देखो यहाँ पे इस तरीके से कैमरे लगे हुए हैं। इधर बुद्ध की फोटो है जो कि शांति का प्रतीक है और बहुत ही प्यारा एंट्रेंस है। देखो मतलब ऐसा लग रहा है कि हम आ चुके हैं गोवा, मतलब इस रिसोर्ट में आने ऐसा लग रहा है कि भाई हमें गोवा के अंदर, क्योंकि पेड़ किस तरीके से हैं, कितनी प्यारी नेचर वाइब है, एक अलग ही माहौल है गाइस, अलग ही। यहाँ से किस तरफ गए, इस तरफ गए। तो भैया को भी दिखाते हैं, भैया आए कर दो, जतिन केटी नाम से भैया। तो गाइस अंदर चलते हैं और यहाँ का देखो आप रूम, देखो इस रूम के साथ प्राइवेट पूल, ये सिटिंग और यहाँ पे आपको एक खट मिलती है। आपको रूम टूर दिखाते हैं एक बार आपको रूम टूर दिखाते हैं। सो गाइस ये है रूम टूर यहाँ का जो कि बहुत ही लग्जरियस और बहुत ही प्यारा है। देखो यहाँ का रूम, वाओ वॉशरूम भी बहुत बड़ा है यार, और ये अलमीरा है, तो बहुत प्यारा रूम है यहाँ का। और देखो ऊपर किस तरीके से बना रखा है, ऊपर एसी चल रहा है। कई जगह रूम टूर आपने देख ही लिया, ये पूरा प्राइवेट कंपार्टमेंट रहता है जिसमें स्विमिंग पूल आ जाता है, रूम आ जाता है, ये पूरा प्राइवेट एक कंपार्टमेंट रहता है। और आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं और, क्योंकि 16 बीघा के अंदर ये बहुत बड़ी जमीन पे है बना हुआ है। और आप देखो ये कितना मतलब फुल नेचर वाइब्स में ही है, मतलब सुकून है इस जगह आके, ऐसा लगेगा कि हाँ आप बहुत अच्छी जगह हो और बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है ना भाई। तो मज़ा आया, मज़ा आ गया कि रूम बहुत तगड़ा था, रूम के अंदर जाके मज़ा आ गया। स्विमिंग पूल बेस्ट चीज़ है, स्विमिंग पूल और प्राइवेट चीज़ मिल रही है। अभी मैं आपको बताऊंगा पता करके कि कितने का रूम पड़ता है यहाँ पे और वन डे का स्टे कितने का पड़ता है। वो फ्री की टॉयलेट नहीं मिल रहा है गाइस। देखो यहाँ की एंट्रेंस ये है, यहाँ के रूम्स बने हुए जिस तरीके की हट्स वहाँ पे दिखी थी अपन ने, वो सारी हट्स यहाँ पे है। यहाँ पे आपको गार्डन फैसिलिटी, स्विमिंग पूल, कैमल राइड, कैमल सफारी, ये सारी चीज़ें फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, बाइक राइडिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे पैकेजेस रहते हैं हर चीज़ के। और इधर देखो ये इनका कितना प्यारा, देखो सामने आपको कैमल दिख जाएगा, बिल्कुल सामने हमारे कैमल खड़े, आर्चरी है, बाइक राइडिंग। और ये यहाँ का दो मतलब एंट्रेंस कितनी प्यारी है,
ये विला है यहाँ। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हो तो आपको यहाँ पे विलास भी मिल जाएंगे, और यहाँ पे विलास भी देखो, ये रे विला, ये रे विला भाई साहब, अटना विला टाइप की, ये देखो विला नंबर 402, ये पूरे विला। ये क्या है भाई, ये गद्दे वद्दे हैं? वो बेड है, तो एक दुकान ले आता है। ये देखो यहाँ पे पूरी राजस्थानी थीम से बना हुआ है, ये पूरी राजस्थानी थीम है, मटकी वगैरह भी यूज करी गई, जगह है भाई सब जगह है यार, ये तो जी है, चीज है, ये पूरी राजस्थान थीम के ऊपर है, ये पूरी राजस्थान थीम के ऊपर बना हुआ है। वो पीछे देखो आपको एक्टिविटीज देखने को मिलेगी आपको, और ये रूम्स जो हैं वो पूरे राजस्थान थीम के ऊपर हैं। ये वाले रूम आपको दिखाते हैं एक बार, देखो मतलब यहाँ की जो चीज़ें हैं ना वो पूरी एक जैसे राजस्थान में पोत के बनाते हैं वैसे बनाई हुई है। ये बाहर सेटिंग का एरिया है, ये डाइनिंग हो गई है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक बेड, यहाँ के वॉशरूम देखते हैं, वॉशरूम भी बहुत प्यारे हैं, यहाँ के मजेदार चीजें हैं। लो आ जाओ भाई, इधर सोफा, अच्छा अच्छा इसमें गार्डन भी, एक वाह यार गार्डन भी इधर तो है। देखो गाइस इसमें पीछे आपको गार्डन भी देखने को मिलेगा, और ओ स्विमिंग पूल भी है, कितना प्यारा गार्डन है यार, देखो कितना प्यारा स्विमिंग पूल है, कितना प्यारा गार्डन देखने को मिलेगा, यहाँ पे ओपन बाथ भी है। सो गाइस ये वाला जो था ना इसका मतलब कितना प्यारा, देखो ये कितनी प्यारी थीम पे, देखो हाथी चल रहे हैं, ये पूरी राजस्थानी थीम पे इसको पोता हुआ है, और इसके ऊपर पेंटिंग्स बनाई हुई है राजस्थानी थीम्स के ऊपर जैसी, और देखो पीछे से आप पर्दे ताकि सीधा मतलब रूम से आप स्विमिंग पूल के मजे ले सकते हो। तो इधर का जो रेंट मतलब पर डे का जो रेंट रहता है ना वो 15,000 से 20,000 रहता है, मतलब 18 के आसपास आपको पड़ेगा, और जो पहले वाले रूम दिखा है मैंने आपको वो 10,000 से 15,000 के बीच में रहते हैं, तो अच्छा है मतलब बढ़ते थे, मतलब चीज़ है, सुकून है और मज़ेदार चीज़ें, देखो कर सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो, जो कि अभी यहाँ पे काम चल रहा है, वाला फील है। यहाँ पे आपको रोडीज वाले टास्क मिलते हैं कि आपको यहाँ से पैदल भागना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा, और ये देखो कितना प्यारा, अभी मतलब ये चल रहा है, ये बन रहा है, इसके ऊपर चढ़ के आना पड़ता है यहाँ, जो कि अभी ये बन रहा है काम, तो अभी ये हो रहा है गाइस, तो मतलब आप आके इधर इस चीज के मजे ले सकते हो, अभी बन जाएगा थोड़े टाइम में ये, और ये देखो ये पूरा राजस्थानी थीम पे ये है, जिसपे आपको देखने को मिलेंगे कांच भी है यहाँ पे, आपको देखने को मिलेगा कैमिल, और देखो ट्रीज पे लाइट लग रही है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वापस वही रिसेप्शन आ गया, अभी हमें रिसेप्शन पे, ये था नेचुरल विलेज रिसोर्ट पुष्कर, और ये यहाँ की एंट्रेंस है। भैया आपका नाम? अजीत सिंह राठौर भैया ने हमारे को दिखाया था, और ये देखो